हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडा। तो आज हम बात करने वाले हैं चाइना की कुछ बेहतरीन हिंदी डब्ड एनिमेशन मूवीज के बारे में जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बनी है, तो आपको स्टार्ट एंड एंटरटेन करेगी। ये लिस्ट मैंने IMDb रेटिंग के आधार पर बनाई है और इस लिस्ट मैंने सिपुनी मूवीज को इंक्लूड किया है जिन्हें बहुत ही कम लोगों ने देखा है, लेकिन ये सभी मूवीज एक से बढ़कर एक है। तो काउंटडाउन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि मेरा काम जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। तो नंबर 7 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है मंकी किंग रीबोर्न। ये 2021 माई एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जो कि वन टाइम वॉच मूवी है और इसका IMDb रेटिंग है 6.1/10। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक मंकी किंग की जो गलती से एक मैजिकल ट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसे दानव आजाद हो जाते हैं। अब वह मंकी किंग उस दानव से दुनिया को कैसे बचाता है ये सब जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये कमाल की मूवी जो कि हिंदी में अवेलेबल है। तो नंबर 6 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है ड्रैगन नेस्ट वॉरियर डॉन। ये 2014 माई फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा मूवी है जो कि वर्ताची मूवी है और इसका IMDb रेटिंग है 6.3/10। इसमें स्टोरी दिखाई गई है लैम्बर्ट नाम के वॉरियर की जो कैसे ब्लैक ड्रैगन से ऑल्टर नाम के किंगडम को बचाता है ये सब जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये कमाल की मूवी जो कि यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो नंबर 5 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है जियांग जिया। ये 2020 माई फैंटेसी एडवेंचर एनिमेटेड मूवी है जो कि मस्ट वॉच मूवी है और इसका IMDb रेटिंग है 6.5/10। इसमें स्टोरी दिखाई गई है टॉप कमांडर जियांग जिया की जिसे एक टास्क दिया जाता है कि वो 9 पूंछ वाले दानों को मार दे जो इंसानों के लिए खतरा है। तो आगे उसकी लाइफ में क्या कुछ घटित होगा ये सब जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये कमाल की मूवी जो कि हिंदी में अवेलेबल है। तो नंबर 4 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है न्यू गॉड्स नेजा रिबोन। ये 2021 माई एक्शन एडवेंचर फैंटेसी ड्रामा मूवी है जिसे आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए और इसका IMDb रेटिंग है 6.8/10 और 72% गूगल यूजर ने लाइक किया है। कमाल की ये मूवी इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, साथ ही मूवी अनऑफिशियली हिंदी में भी अवेलेबल है। तो नंबर 3 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है ग्रीन स्नेक। ये 2021 माई फैंटेसी एडवेंचर एनिमेटेड मूवी है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए और इसका IMDb रेटिंग है 6.8/10। इसमें स्टोरी दिखाई गई है ग्रीन स्नेक वर्ता की जो अपनी बड़ी बहन ब्लांका को जो कि एक व्हाइट स्नेक है उसे मॉन्क फाई से कैसे बचाती है ये सब जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये कमाल की मूवी जो कि इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और साथ ही मूवी अनऑफिशियली हिंदी में भी अवेलेबल है। तो नंबर 2 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है अबोमिनेबल। ये 2019 माई फैंटेसी एडवेंचर एनिमेटेड मूवी है जो कि वर्ताची मूवी है और इसका IMDb रेटिंग है 7.10 और इसमें स्टोरी दिखाई गई है तीन दोस्तों की जो येटी नाम के क्रिएचर को वापस उसकी फैमिली से मिलाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो आगे उनकी लाइफ में क्या कुछ घटित होगा ये सब जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये कमाल की मूवी जो कि हिंदी में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो फाइनली बात करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है विश ड्रैगन। ये 2021 माई फैंटेसी एडवेंचर एनिमेटेड मूवी है जो कि मस्ट वॉच मूवी है और इसका IMDb रेटिंग है 7.2/10। इसमें स्टोरी दिखाई गई है डिन नाम के एक लड़के की जिसे एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन एक टीपॉट देता है जिसमें एक विश ड्रैगन होता है। तो आगे उसकी लाइफ में क्या कुछ घटित होगा ये सब जानने के लिए देखनी पड़ेगी ये कमाल की मूवी जो कि हिंदी में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो आज का मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना।